नॉट को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कंगना को सुरक्षा दी है। कंगना को लगातार मिल रही धमकियों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दी गई है। मुनीश पांडे मौजूद है हमारे साथ। अब मुनीश, 9 सितंबर को कंगना ने कहा कि वो मुंबई आएंगी, लेकिन जो थ्रेट्स मिल रहे थे, धमकियां मिल रही थी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है अब कंगना को? जी बिल्कुल, सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, और सिक्योरिटी में 11 जो पुलिस पर्सनल होते हैं और उसके अलावा 1 से 2 कमांडोज भी होते हैं, वो भी इस पूरे सुरक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति हो रही थी, कंगना रनौत ने बात शुरू की थी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को लेकर, और उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच में कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ गई थी। लगातार बयान आ रहे थे और इस तरह की बातें भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं जब कंगना रनौत यहाँ पर महाराष्ट्र में आएंगी तो उनके लिए खतरा भी हो सकता है। और इसी के मद्देनजर जो अभी हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, मुनीश, ये सुरक्षा उनको अभी से मिल गई है या मुंबई लैंड करेंगी तब मिलेगी? जी, अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो प्रोसेस है उनको सुरक्षा देने का वो शुरू हो चुका है। वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा मिलेगी और बहुत मुमकिन है कि जब वो लैंड करेंगी मुंबई में उस वक्त उनके पास में सुरक्षा होगी। और अब से सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बचा है, जब उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मैं आऊंगी यहाँ पर, लेकिन जो शिवसेना है उन्होंने साफ तौर पर बोला हुआ था कि अगर इस तरह की वो बातें करेंगी तो महाराष्ट्र जो है और महाराष्ट्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। संजय राउत का लगातार बयान आया था, उसी के मद्देनजर जो जानकारी आ रही है कि अब उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। सुरक्षा को लेकर ये अब उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जिसकी डिटेल हमें मुनीश पांडे भी यहाँ पर दे रहे थे। शुक्रिया मुनीश आपका इस जानकारी के लिए।